नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या यह संभव है कि विराट कोहली मैदान में बैटिंग भी करे और साथ ही साथ आपको मैच का हाल भी सुनाए, या फिर पायलट प्लेन उड़ाते उड़ाते कॉकपिट में यात्रियों को बुलाकर उनको विमान उड़ाने की टेक्निक समझाए। नहीं ना, क्योंकि यहाँ इन दोनों ही हालात में इन प्रोफेशनल्स को एक फोकस्ड दिमाग की ज़रूरत है और पूरे कंसंट्रेशन की ज़रूरत है ताकि वो अपना काम बखूबी कर सके। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हूँ। इसको पूछने का मेरा मकसद ये है कि हाल ही में ऐसा ही मामला पेश आया है जहाँ एक डॉक्टर की लाइव सर्जरी करते समय साथ ही ऑडियंस को सर्जरी के बारे में ब्रीफिंग करते हुए एक मरीज की जान चली गई। अब कुछ डॉक्टरों का कहना है कि लाइव सर्जरी करते हुए और इस तरह ऑडियंस को लाइव सर्जरी के बारे में ब्रीफिंग करने के तरीके पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन कई डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे नए डॉक्टरों को सिखाने में मदद मिलती है। अब दो पक्ष आमने सामने हैं, मामला कोर्ट में है, तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर राहिल चौधरी, जिन्होंने इस मामले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है और इसे तुरंत प्रभाव से बंद कर देने की अपील की है, क्योंकि ऐसा करने से मरीज की जान को बेहद ही ज्यादा खतरा रहता है। इनके साथ ही एक और याचिकाकर्ता है हमारे साथ, डॉक्टर केपीएस मलिक, एक्स डिपार्टमेंट हेड रहे हैं ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के सफदरजंग हॉस्पिटल, पास्ट प्रेसिडेंट भी हैं AIOS के। साथ ही एक और याचिकाकर्ता है हमारे साथ, डॉक्टर जितेंद्र बाली जी, ये भी सीनियर ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं। साथ ही हमार को कानूनी दावों पे समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मीनाक्षी कालरा, जो कि लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर केपीएस मलिक, आज की तारीख में मैं आपसे पहला एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहाँ लोग अपने काम को करते हुए ऑडियंस ब्रीफिंग करते हैं, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो चाहे लाइव करते हो सोशल मीडिया पे, तो ऐसे में डॉक्टर्स का सर्जरी करते हुए ऑडियंस ब्रीफिंग करने से आपको आपत्ति क्यों है? देखिए मैम, ये डिपेंड करता है, एक तो आप क्या कर रहे हैं। सपोज मैं आप आँख की सर्जरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। आँख एक ऐसा छोटा ऑर्गन और सेंसिटिव ऑर्गन है जी, कि वो एक इंच का टोटल है, उसमें हम जो काम करते हैं सर्जरी वो 2-3 मिलीमीटर के अंदर करते हैं, और हमारी नज़र चूकी नहीं, दुर्घटना हुई नहीं, तो उसमें अगर मैंने कंसंट्रेशन करते करते मुझे लाइव दिखाया जाएगा तो अच्छे अच्छे को पल्पिटेशन हो जाता है, गाना गाने के लिए भी, एक्टिंग करते हुए भी स्टेज पे, तो इसमें वो तो है नहीं कि भाई कट एंड रीटेक तो हो नहीं सकता सर्जरी में। तो मुझे ये लगता है कि सर्जन के लिए भी टेंशन वाला माहौल होता है, वो उसको ना तो सर्जन जनरली क्या हो रहा है कि लाइव सर्जरी जो आँख की होती है ना, तो हमें मरीज के बारे में ज़्यादा पता होता है और ना मरीज को पूरी तरह से जानकारी दी होती है। हम उसको मोस्टली क्या करते हैं कि फ्री लेंस, फ्री सर्जरी और इम्पोर्टेड लेंस डालेंगे, टाँका नहीं लगाएंगे, बिना टाँका की सर्जरी करेंगे, तो उस तरह से गिलीबल मरीज जो हो जाते हैं, जो लुभावन में आ जाते हैं। और मोस्टली हमने देखा है कि ये लोग जो होते हैं गरीब होते हैं, लोअर तबके से होते हैं, तो ये कभी अगर इसमें कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग सर्जरी होती है, और मैं कमेंट्री भी करता हूँ, तो मेरे लिए भी ये एक बहुत टेंशन का इशू है जी। और पेशेंट के लिए तो ये टेंशन का इशू है ही है। हम इसी सर्जरी को रिकॉर्ड करके भी तो दिखा सकते हैं, बिल्कुल वही बातें, वही सर्जन, और उसमें कोई भी आदमी टेंस नहीं होगा जी। तो मेरा मानना है कि ये लाइव सर्जरी नहीं दिखानी चाहिए, और खासकर मैं नेत्र की सर्जरी के बारे में तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ये दिखानी चाहिए। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, टेढ़ी आंख का ऑपरेशन करते हैं, उसमें कई बार मसल फिसल जाती है और गायब हो जाती है, और उसको ढूंढना लगभग असंभव हो जाता है जी। अब ऐसे टाइम पे वो सर्जन क्या करे, मैं नहीं कह सकता क्या करे जी। जी डॉक्टर राहिल, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि आज क्या ऐसी नौबत आई कि हमें इस पर बात करने की जरूरत पड़ती है? देखिए, जैसे हम सबको हमने ये सुना होता है कि गाड़ी चलाते हुए फोन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फोन जो है ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी की जान खतरे में चली जाएगी जी। ऐसे ही आप ये समझिए कि ये एक ऑपरेशन हो रहा है, लाइफ एंड डेथ का मैटर है, या किसी की आंख का सवाल है जी। अगर ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर डिस्ट्रैक्टेड है,
ऑडियंस से बात कर रहा है, उनके क्वेश्चन ले रहा है, कमेंट्री कर रहा है, साथ में ऑडियो विजुअल इश्यूज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया मेरी आवाज नहीं जा रही, कैमरे का फोकस नहीं आ रहा, इतना डिस्ट्रैक्टेड डॉक्टर है और डिस्ट्रैक्शन की वजह से एम्स में एक पेशेंट की जान चली गई। तो अब तो हमें ये लेसन ले लेना चाहिए कि डॉक्टर को डिस्ट्रैक्ट करना क्यों जरूरी है। अगर सेम काम हम रिकॉर्ड करके दिखा सकते हैं और पेशेंट की सेफ्टी बचा सकते हैं, पेशेंट को रिस्क से बाहर कर सकते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। और इसकी नौबत इसलिए आ गई कि देखिए जो ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी है, इसमें करीब 26,000 आंखों के डॉक्टर्स हैं, और ये जो सोसाइटी है ये दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है। अगर इसी सोसाइटी में इस तरह के काम होंगे कि पेशेंट सेफ्टी का कंसर्न नहीं रखा जाएगा, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन एथिक्स का ध्यान नहीं रखा जाएगा, इतनी बड़ी बॉडी जो दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है, अगर वो ही इस तरह के अनएथिकल काम करेगी तो बाकी छोटी छोटी बॉडीज के लिए क्या मैसेज जाएगा। तो बेसिकली AIOS ऑल इंडिया ऑप्थाल्मिक सोसाइटी को तो एज अ बीकन ऑफ पेशेंट सेफ्टी स्टैंड करना चाहिए कि हम लोग कैसे पेशेंट के लिए ऑपरेशन और ज्यादा सेफ कर सकते हैं। ये सब करके तो आपने पेशेंट का रिस्क बढ़ा दिया, और कल को जैसे एम्स में जान चली गई ऐसी और लोगों की जान जाएगी। क्या ज्यादा और लोगों को मरना जरूरी है कि हम सबको ये रियलाइज हो कि ये चीज डेंजरस है, उसको बंद करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुकन्या, आपका क्या टेक है इस पर, क्या कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स को छोड़ा नहीं जा सकता लाइव कवरेज से? दोनों ही डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, आई सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ डॉक्टर को पूरे कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है? डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, है ना। इवन लाइक व्हेन वी से वो ड्राइविंग में थोड़ा वो मोबाइल का फोन लाइक नो इट इज नॉट अलाउड, सो दिस इज अ हाईली स्किलफुल प्रोसीजर व्हाटएवर लाइव सर्जरीज आर बीइंग परफॉर्म्ड। सी द सर्जिकल OT इज सपोज्ड टू बी लाइक अ टेंपल, वी आर ऑल सपोज्ड टू फॉलो सम डिसिप्लिन। How do you want, camera crew moving here and there, extra additional personnel who keep, just walking here and there? And aisa sochna padega. Suppose if, you want the doctor is giving a live commentary to the audience, simultaneously is operating. Now you have a support team called the OT assistants or say anesthetists. And even the patient is entitled to share the experience. Now, what if the patient says, I have a close community and let me also share the experience of surgery live with people? See, it can't be one-sided. The doctor-patient relationship is based on trust and, complete surrender. The patient is putting all the, hope in the doctor, saying that the best of the interests are protected. But if at all there is a distraction element, it is not in terms of upholding the patient's safety. That is the issue all about. There is something called as pre-recorded live demonstrations, AHGs. They are also of equally good educational tool. Our only consensus is that you can still have a teaching tool, but let it be pre-recorded, let it not be live. Okay. एक चीज में गुंजन और ऐड करना चाहता हूँ इसमें। देखिए, लाइव सर्जरी कराने का पर्पस क्या है, क्यों ये सोसाइटीज लाइव सर्जरी करा रही है? ये तो हम सब समझते हैं कि डॉक्टर डिस्ट्रैक्टेड है, पेशेंट को रिस्क बढ़ जाता है, फिर भी आप लाइव सर्जरी करा रहे हो। तो बेसिकली ये जो सोसाइटीज हैं, ऑल इंडिया ऑप्थाल्मिक सोसाइटी, ये लाइव सर्जरी इसलिए करा रही है क्योंकि इनको दो जगह एडवांटेज होता है। पहला एडवांटेज होता है कि जो सर्जन लाइव सर्जरी कर रहे हैं उनको एज अ हीरो दिखाया जाता है, उनको ग्लैमराइज करा जाता है, ग्लोरीफाई करा जाता है कि देखो जी ये बहुत बड़े सर्जन हैं। तो एक तरह से जो डॉक्टर है वो अपनी प्रमोशन कर सकता है। और दूसरा जो है, लाइव सर्जरी करने के लिए ये सब पैसे लिए जाते हैं। एक लाइव सर्जरी करने के लिए ऑल इंडिया ऑप्थाल्मिक सोसाइटी में 5 लाख रुपए लिए जाते हैं, और इस बार 30 सर्जरी करी गई तो 1.5 करोड़ रुपए की अर्निंग आई। और इन सर्जरीज में क्या होता है, ये जो कंपनीज होती हैं जो मशीन बनाते हैं, लेंसेज बनाते हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये डॉक्टर को बोलते हैं कि आप हमारे मशीन या प्रोडक्ट्स के बारे में प्रमोशन करिए, लोगों को बताइए लाइव सर्जरी के दौरान कि ये मशीन बेस्ट है, ये लेंस बेस्ट है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ट है। तो बेसिकली कंपनीज डॉक्टर से अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कराती है, जो एक प्रमोशन कंपोनेंट में आता है, जो इलीगल है NMC की गाइडलाइंस के हिसाब से। तो मैं डॉक्टर जितेंद्र बाली इसी पे आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि ये डॉक्टर लाइव सर्जरी जो बात हो रही है आज की, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, किस मकसद से शुरू किया गया था इसको, और अभी इसको किस तरफ ले जाया जा रहा है, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि प्रमोशंस के लिए ले जाया जा रहा है या अर्निंग्स के लिए ले जाया जा रहा है या किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को हीरो बनाने के लिए ले जाया जा रहा है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझाइए। साथ ही ये बताइए कि इस लाइव सर्जरी को कौन कौन देखता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम।
बेसिकली हेल्थस्टेड के जो सर्जिकल प्रिंसिपल्स हैं वो है कि जी देखो और करो, बट दोज प्रिंसिपल्स वर एनंसिएट, उनको बहुत कुछ सदियां पहले बताया गया था। और आजकल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, कोई भी सर्जन अगर कुछ करना चाहता है, आजकल हमारे पास सिम्युलेटर्स हैं, तो आप सिम्युलेट मतलब आप उस मशीन को, जैसे फ्लाइंग का है सिम्युलेटर, आपको हवाई जहाज उड़ाने की जरूरत नहीं है, आप एक मशीन पे बैठ के आपको बिल्कुल वही फीलिंग आएगी कि आप हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। तो वो सर्जिकल सिम्युलेटर्स हैं, और कोई भी सर्जिकल टेक्निक आप करना चाहते हैं अगर, तो मतलब ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी आज एग्जिस्ट करती है। जो भी आप वीडियो दिखा रहे हो, वीडियो देख के किसी जो ऑपरेटिंग सर्जन है वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं गेन कर रहा, और जहां तक देखने के देखकर सीखने वाली बात है, वो एक होता कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। तो जो कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ लर्निंग है वो रिकॉर्डेड वीडियो से भी आपको उतनी ही लर्निंग हो रही है। यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइव ऑडियंस है उसमें, फॉर एग्जाम्पल एक्स जगह पे से कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस होनी है, तो सर्जन जो है कंपनी आके डिक्टेट करती है कि जी हमारे ये 5 सर्जन है, एक सर्जन आएगा दिल्ली से, एक चेन्नई से, एक मुंबई से, वो कलकत्ता आएंगे, वो उसी सुबह मरीज को देखेंगे, ऑपरेट करेंगे और चले जाएंगे जी। उस मरीज को पोस्ट ऑपरेटिवली वहीं का लोकल, मतलब हम जो चाहते हैं कि मरीज ऑपरेटेड मरीज हम खुद देखना चाहते हैं, वो नहीं होता पहली बात। दूसरा, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश होती। तीसरा, आप तीसरी जगह जाते हो जहां की मशीन नई, ओटी नया, वहां का सामान नया, आपका असिस्टेंट नया, आप अपनी जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं, आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आप एक तीसरे मैदान में जा रहे हैं वहां पे। अब आप ये देखिए कि अगर आप पढ़ाने के लिए देख रहे हैं, पढ़ाना चाहते हैं लोगों को, तो जैसे कोई भी क्रिकेट मतलब कोई भी कोच देख लीजिए, तो कोचिंग लाइव मैच में नहीं होती, कोचिंग होती है रिकॉर्डेड, वही आप, वो चाहे वो आपकी गेम की रिकॉर्डिंग आपको दिखाए और उसको बार बार रिप्ले करे, या अपनी कोई किसी भी रिकॉर्डेड चीज को वो बार बार रिप्ले करके आपको दिखाता है, यहाँ पे गलती थी, इस तरह से इसको ठीक कीजिए, यहाँ पे ये चीज ऐसे अच्छी हो सकती है। तो जो लर्निंग का कॉम्पोनेंट है वो डेफिनेटली रिकॉर्डेड सर्जरी पे होता है। और ये जो लाइव सर्जरी है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये एक सूडो साइंटिफिक एंडेवर हो जाता है। आप लाइव जब जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी बोली जाएंगी जिनको कि वो ऑडियंस को तो ट्रांसमिट हो गई, लेकिन जब हम जो रिकॉर्डेड होता है उसमें पीयर रिव्यू होता है, वो पहले 3 डॉक्टर देखते हैं, वो फिर कहते हैं हाँ ये ठीक है, ये चीज गलत है। तो जो चीज गलत है उस चीज को आप वीडियो में आप ऑडियंस को नहीं दिखा पाते हैं। और जो लाइव सर्जरी है उसमें दिखा क्या रहे हैं आप दिखा रहे हैं नॉर्मल सर्जरी जो हर रोज आप ओटी में कर रहे हैं। यदि यही रिकॉर्डेड सर्जरी आप किसी को भेजेंगे फॉर अ कॉन्फ्रेंस, वो कहेगा यार इसमें नई क्या चीज है। ये सारा प्रमोशनल एक्टिविटी बन चुकी है, जिसमें कि होता क्या, कंपनी आके आपको डिक्टेट करती है उस दिन, जिस दिन आपका लाइव सर्जरी होता है बाकी सारे हॉल बंद कर दिए जाते हैं, सिर्फ सर्जरी का हॉल चलता है, और वहां पे एक टाइम पे एक पर्टिकुलर मशीन का कंपोनेंट चलेगा, उसका प्रमोशन होगा, एक ऑरा बनाना शुरू कर देते हैं हम कि भाई चैंपियन सर्जन्स हैं। ऐसा नहीं है, देखिए सर्जरी सभी लोग बराबर कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को इस प्रकार से प्रमोट कर रहे हैं, ये एक तरह की सरोगेट स्पॉन्सरशिप हो रही है, एडवर्टाइजिंग, सरोगेट एडवर्टाइजिंग जी। मीनाक्षी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आपका क्या कहना है, मामला कोर्ट में है अभी फिलहाल, तो कोर्ट का रुख क्या है इस मामले में? यही है कि आप सब जानते हैं ऑलरेडी कि हमने जब ये PIL दाखिल करी कोर्ट में, तो कोर्ट ने इमिजिएटली नोटिस इशू करा और नेशनल मेडिकल कमीशन जो डॉक्टर्स को रेगुलेट करती है उनको डायरेक्शंस दी गई कि वो अपना जवाब दें कि उन्होंने इस चीज को कैसे रेगुलेट किया, वो इस बारे में क्या कर रहे हैं। लाइव सर्जरीज जो डॉक्टर्स बार बार कर रहे हैं विदाउट एनी परमिशन, बिना किसी गाइडलाइंस के, वो कैसे कर रहे हैं। सिंस नेशनल मेडिकल कमीशन इज द मेन अथॉरिटी जो डॉक्टर्स को रेगुलेट करते हैं, सो इशू नोटिस इशू उनको ऑलरेडी हो गया है, एंड दे विल कम फॉरवर्ड एंड गिव अ रिप्लाई इन द नेक्स्ट डेट व्हिच विल बी इन दिसंबर। डॉक्टर राहिल, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको हर तरह के प्रोसीजर में लाइव कवरेज से आपत्ति है, या फिर आप चाहते हैं कि ये पूरी तरह ही बंद हो? नहीं, देखिए कोई भी प्रोसीजर आप कर लीजिए, आंखों का कर लीजिए, हार्ट का कर लीजिए, किडनी का कर लीजिए,
एक बेसिक चीज तो सेम ही है ना कि डॉक्टर डिस्ट्रैक्टेड है, और अगर डॉक्टर का ध्यान ऑपरेशन में नहीं है, डॉक्टर का ध्यान बातें करने में है, ऑडियंस के क्वेश्चन लेने में है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वहां सारा डॉक्टर का ध्यान भटका हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी ना। और ऐसा नहीं है कि सर्जरी में, लाइव सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कई बार हम देख चुके हैं कि लाइव सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन हुई है, लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये लिटरेचर में डॉक्यूमेंट नहीं करी जाती, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट कर देंगे तो जो डॉक्टर है उसकी बदनामी हो जाएगी, तो अक्सर इन चीजों को वहीं वहीं छुपा लिया जाता है। तो इसका सोल्यूशन ही ये है कि इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लग सकते। द अल्टीमेट सोल्यूशन इज कि जैसे फोन पे आप मना करते हो गाड़ी चलाने के लिए, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे तो लाइफ एंड डेथ का मैटर है। डॉक्टर सुकन्या, आप सबकी दलीलें सुन रहे हैं, तो आपके कोर्ट में क्या दलील है? क्या एक जान काफी नहीं इसे रिस्की बताने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसी और भी घटनाएं घटें, या नए डॉक्टर्स को सिखाने का इससे और नया तरीका कुछ भी नहीं है? क्यों किसी की जान को जोखिम में डाला जाए, आप ये बताइए। See, generally, all these surgeries, Anna, there is also one more thing I wanted to add. There is something called as informed consent bolting. Like when you actually operate, prior to a procedure, एक thing क्या है, the risk part of it should be explained in the form of a consent. वो informed consent बोलती हूँ। उसमें we have to be explicit about who is like, you know, performing surgery, what are the complications of surgery, distraction may, like what will be the outcome, the potential outcome because of distraction, what is the trade interest, इसमें वो financial interest क्या है, वो पूरा we have to actually enumerate. अभी तो क्या है, we are not having proper regulatory framework अभी तो नहीं है। The problem with live surgery is वो अच्छा teaching tool है, इसमें कुछ like you know there is no doubt, but there are equally good and better teaching tools than live demonstration. That is our take. So having said that, we have to understand that the consent also has to be customized. Regulatory framework has to be very stringent, because at the end of the day, it is patient safety. Who is the patient? He may be even from a vulnerable group, hai na? Not necessarily that you get to operate only on socially very affordable patients. Sometimes we do get a patient from all walks of life who are part of this demonstration. How honest we are in actually explaining to them what is the framework of these surgeries. The regulated framework is not stringent. We want NMC to bring in very strong regulations and try to convince the scientific fraternity in saying that live demonstrations are better than pre-recorded. Pre-recorded is any day better than live demonstration. That is our take. जी मीनाक्षी, आप हमें समझाएं कि कोर्ट क्या फैसला ले सकता है आने वाले टाइम में? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की कवरेज बंद की जा सकती है? सी, जैसे सुकन्या मैम ने ऑलरेडी बोला कि एनएमसी इज द बॉडी जो रेगुलेट करती है इन सब गाइडलाइंस को, जिसकी ड्यूटी है इन सब गाइडलाइंस को बनाने के लिए। एंड इट इज नॉट दैट अभी तक भी ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, डॉक्टर्स आर वेरी वेल रेगुलेटेड अंडर द एनएमसी गाइडलाइंस। एनएमसी ने कोड ऑफ रेगुलेशंस बनाया हुआ है फॉर डॉक्टर्स, एंड अंडर दैट इन क्लॉज 12 इट इज स्पेसिफिकली मेंशनड दैट कोई भी डॉक्टर किसी भी प्रमोशनल एक्टिविटी में एंगेज नहीं कर सकता। सो आप जैसे ऑलरेडी हम सब जानते हैं, राहिल जी ने भी इसको मेंशन किया कि एक सर्जरी जब लाइव होती है तो 5 लाख रुपीज स्पॉन्सरशिप लिया जाता है, विच क्लियरली शोज कि अ डॉक्टर इज गेटिंग इन टू अ प्रमोशनल एक्टिविटी। तो एनएमसी के अंडर क्लॉज 12 में इट इज ऑलरेडी बार्ड। एज रिगार्ड्स द पेशेंट सेफ्टी, क्लॉज 13 स्पेसिफिकली मेंशंस कि अगर आप पेशेंट की सेफ्टी को हार्म कर रहे हैं या उसको किसी भी वे में एंडेंजर कर रहे हैं, जैसे सुकन्या मैम ने बोला ही शुड बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस। क्या होता है, जाहिर सी बात है कि जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनको ये लालच दिया जाता है कि आपकी सर्जरी फ्री में होगी और आप पार्टिसिपेट करिए, और जब वो पार्टिसिपेट करते हैं उनको नहीं पता होता कि उनकी सर्जरी परफॉर्म करते हुए डॉक्टर विल बी इंटरैक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। This has to be there, it has to be communicated, because you are putting the patient at risk. So NMC regulations are there, but they have to be regulating the live surgery broadcast also, and that is what the court is looking into. And definitely I think aage 2-3 hearings ke andar it definitely guidelines will be framed. I have also been told ki NMC ne committee bitha di hai to regulate and to make a guideline and to give a representation to the Honorable Supreme Court.
सो आई थिंक इन नियर फ्यूचर बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि हमारे पास गाइडलाइंस होंगी जो इन लाइव सर्जरीज को रेगुलेट करेंगे। जी एक नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है जो भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय चलाता है जी। अब उसमें मैंने काम किया है एक साल एज ए प्रोग्राम कंट्रोलर, तो हमें एनजीओज के लिए सब गाइडलाइंस ही ऐसे तुमने करना है, पेशेंट का इस तरह जांच होनी है, ये होना चाहिए ये होना चाहिए, एनजीओ नहीं करते हैं। कई बार पकड़ा जाता है, कई बार जांच करने के लिए भेजा जाता है, पता आ गया कि भाई ये नहीं हो रहा है। अब उसमें नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस में कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में ये है कि जो सर्जन ऑपरेट करेगा वही उसको पहले दिन देखेगा, वही उसको सातवें दिन देखेगा और वही उसको एक महीने के दिन देखेगा। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है। क्या हम ये फॉलो करा रहे हैं इन लाइव सर्जरी में? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो सर्जन जो करता है ऑपरेट वो तो वहाँ रहता ही नहीं है, वो दिल्ली का है, वो दूसरे शहर का है और वापस चले जाते हैं। अब वहाँ पे देखने वाला रेजिडेंट है, कोई जूनियर डॉक्टर है या कोई टेक्नीशियन है? आई डाउट एंड आई हैव सीन इन एनजीओज केसेस दैट नॉट इवन डॉक्टर सी देम। इनफैक्ट पेशेंट होके चले जाते हैं और वो टेक्नीशियंस या ऑप्टिशियंस जो इनको भर के लाते हैं वो फिर इनकी देखभाल करते हैं जी। उनको कॉम्प्लिकेशंस का नहीं पता होता जी। और कुछ हो जाए तो उसकी फिर दोबारा सर्जरी कई बार जरूरत होती, वो नहीं हो पाती जी। डॉक्टर जितेंद्र आप कुछ बोलना चाहते थे? मैम देखिए, भारत का संविधान आर्टिकल 21 वो राइट टू लाइफ जो है वो उसको बहुत इम्पोर्टेंस देता है और राइट टू अ सेफ सर्जरी राइट टू लाइफ का ही एक हिस्सा है जी। तो ये जो कुछ भी हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की वायलेशन है। भारतीय संविधान में जो मानवाधिकार हमारे सभी सिटीजन्स को दिए गए हैं उनका हनन हो रहा है। देखिए ऐसा है कि आई एम हैप्पी कि डॉक्टर राहिल ने इसको टेकअप करा है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू टेकअप समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू नो अ वेरी लार्ज कम्युनिटी विच हैज नो वॉइस। देखिए एक गरीब गुरबत वाला क्योंकि एक प्रमोशनल एक्टिविटी को कभी भी कोई रोकेगा, उसमें कमर्शियल एंगल भी इन्वॉल्व है, उसमें लोगों के बायस लोग मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है और बेसिकली जो राइट टू सेफ सर्जरी है वो रिस्टोर करना जरूरी है। एक टस्केजी आई स्टडी हुई, टस्केजी सिफिलिस स्टडी हुई थी अमेरिका में, उसमें भी इसी तरह से बहुत सारी वायलेशंस हुई थी और एक फिर उसके कुछ सालों बाद उसमें हुआ ये था कि हमारे पास एक इलाज अवेलेबल था लेकिन सिर्फ स्टडी करने के लिए वो इलाज नहीं दिया गया। उसके बाद कोई कुछ कुछ दशकों बाद वहां पे बेलमोंट कमेटी करके बैठी और एक बेलमोंट रिपोर्ट आई विच इज द बेडरॉक ऑफ क्लिनिकल एथिक्स इन रिसर्च। और मुझे लगता है कि ये जो डॉक्टर राहिल ने पहल की है और जिस प्रकार एपेक्स कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, आई एम रियली हैप्पी। मुझे लगता है कि भारत के सभी गरीब गुर्बत वाले मरीजों की पेशेंट राइट्स का फाइनली एक सेवियर खड़ा हुआ हमें शायद मिलेगा इसके बाद जी। डॉक्टर राहिल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी इससे पहले कि ये जो सर्जरी होती है किसके लिए कंडक्ट की जाती है? क्या इसमें कोई नई टेक्निक सिखाई जाती है या फिर ये सर्जरी आके चलकर एक इमरजेंसी कंडीशन में एक एग्जांपल बन सकती है? नहीं, ये सर्जरीज जो मेनली सर्जरी करी जाती है वो सिंपल सिंपल केसेस की करी जाती है जिसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं, ताकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप सर्जरी दिखाएंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा और फिर जो सर्जन है वो एक तरह से हीरो नहीं बन पाएगा। देखिए हम सारे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में लोग और एजुकेट हो, हमारी कंट्री और आगे बढ़े। लेकिन पिछले 82 ईयर्स में आज तक कभी AIOS में लाइव सर्जरी नहीं हुई, तो आज तक सारी एजुकेशन हो रही थी ना, अब एकदम से आपको इसको लाने की क्या जरूरत है? एंड साथ ही साथ मैं ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो लाइव सर्जरी से बेटर क्वालिटी की टीचिंग इम्पार्ट कर सकते हैं, तो क्यों आपने जबरदस्ती लाइव सर्जरी को करवाना है और पेशेंट की जान को खतरे में डालना है? बिल्कुल भाई, जब सेम काम हम बिना जान को खतरे में कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे? क्यों आपने एक इंसान की बीमारी को
सबके सामने एक शो बनाना है हजारों लोगों के सामने और उस शो से आपको कमाना है। जी बिल्कुल, प्राइवेसी का ही मामला है। डॉक्टर सुकन्या, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? We should ultimately understand that see, education tool is okay. I mean, patient-doctor relationship mein, there is an entity called patient. When you talk about educational tool, that means it is for the benefit of the scientific fraternity. You're talking about the educational tool as an advantage. But what is the advantage for the patient? When compared to a pre-recorded demonstration, which is unedited video, you're putting the patient to a slightly more risk when it comes to live demonstrations, and we are against it. Why should the patient be put to additional risk in a live demonstration vice versa or in comparison to an unedited pre-recorded video clipping? That is a question that people who are fans of live surgeries need to answer is before they support live surgeries. The live surgery should be minus trade promotion, minus professional conflict of interest, minus financial conflict of interest, and patient safety should be 100% ensured. Then all of us are like, you know, in the same line of thought. We support, then we will be supporting life safety. जी, डॉक्टर मलिक, मैं आपसे जानना चाहूंगी इसमें मेडिकल एथिक्स क्या कहते हैं? देखिए, मेडिकल एथिक्स तो मैंने जहां तक मुझे मालूम है, एक बार MCI ने, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कानून सर्कुलेट किया था, और हमने एक जगह ये देखा भी है कि डेफर्ड सर्जरी दिखाई है, सर्जरी कल रिकॉर्ड हो चुकी है, वही सर्जन उसको आज दिखा दे, तो वो डेफर्ड सर्जरी थी। तो वो हम चाहते हैं कि वो ही लागू किया जाए, और MCI अपने कागजों में ढूंढेगी, जो आज नेशनल मेडिकल कमीशन है, तो वो कागज़ उनको मिल जाएंगे कि भाई डेफर्ड सर्जरी पहले भी MCI ने रिकमेंड किया हुआ है। वो मैं तो जैसे एक अध्यापक होते हुए, टीचर होते हुए, प्रोफेसर होते हुए मेडिकल कॉलेजों में 51 साल से पढ़ाता आया हूँ, तो मैं तो एक ही तरीका जानता हूँ कि मैं अपने PG स्टूडेंट को अपने साथ उसको एक स्टेप देता हूँ, वो इनकरेक्शन होता है तो करेक्ट करता हूँ, फिर उसको बैठा देता हूँ, फिर मैं हट जाता हूँ, फिर उसको देता हूँ। तो करेक्ट तरीका तो सिखाने का ये होता है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े देश, डेवलप्ड नेशंस, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अरब कंट्रीज, इन सब ने लाइव सर्जरीज को बैन कर दिया है कि इससे पेशेंट को रिस्क है। लेकिन इंडिया में क्योंकि किसी को पैसे कमाने हैं और आपने किसी की बीमारी का शो बना के पैसा कमा लिया, ये तो गलत है ना। दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनएथिकल। मैम, एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें जो मेजर चार प्रिंसिपल्स हम गिनते हैं, पहला होता है बेनिफिशियंस, कि आप जो भी काम करें उससे मरीज को भला हो। सेकेंड प्रिंसिपल होता है नॉन मैलिफिशियंस, उसका मतलब होता है कि भला ना हो तो कम से कम उसका कोई खराबी ना हो। और उसी में एक एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल होता है प्राइमम नॉन नोसियर, कि फर्स्ट डू नो हार्म, आपके एक्शन से मरीज का बुरा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद होता है कि रिस्क बेनिफिट रेशियो, देखिए आप जो इलाज कर रहे हैं उस मतलब आपका इलाज या तो डिजीज को बेटर करे या उसको क्योर करे। इफ योर क्योर इज वर्स देन द डिजीज, या आप वही इलाज एक कम रिस्क पे दे सकते हो, तो यू हैव नो राइट टू एक्सपोज द पेशेंट टू अ हायर रिस्क। कहने का मतलब ये कि जितने रिस्क से उसका ठीक हो सके, कम से कम रिस्क से, उतनी ही आप ट्रीटमेंट दीजिए, उतनी ही आप सर्जरी कीजिए। तो ये वाला जो देखिए, ऐसा है कि एजुकेशनल टूल, तो उससे बेटर एजुकेशनल टूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जी। अगर बेनिफिट देखते हैं आप, तो बेनिफिट सर्जरी दे रही है, उसका लाइव टेलीकास्ट या उसका टीचिंग नहीं दे रहा। रिकॉर्डेड वर्जन, आज से 50 साल पहले रिकॉर्डिंग वाज नॉट सो इजी एंड सो सिंपल, आज टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर चुकी है। अगर आज के दिन में हम एक सॉफ्टवेयर सुपर पावर होने के बावजूद अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को, मतलब इफ वी आर टीचिंग द मेडिकल स्टूडेंट्स विद करिकुलम ऑफ यस्टरडे, तो शायद हमारा देश अपने आप को मतलब वो जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है जी।
डॉक्टर सुकन्या, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस तरह की लाइव जो सर्जरियां हो रही हैं ऑडियंस को ब्रीफिंग करते हुए, क्या उनमें सभी तरह के प्रोटोकॉल्स का फॉलो किया जा रहा है? और कुछ भी गड़बड़ होने पर क्या आपको लगता है कि डॉक्टर का लाइसेंस भी जाना चाहिए? और सबसे बेसिक बात, क्या डिटेल्स बताने के साथ साथ ऑपरेशन करने से आप नहीं मानती कि कंसंट्रेशन पे किसी तरह का असर पड़ता है? See, we have to understand as far as the concentration, definitely live surgeries are an added content of distraction. It is not that live surgery should be completely banned. We have to have a moderated view, a sensible approach. You first bring in the regulatory framework. We are not entirely against live surgery. But unless and until the regulatory framework is stringent, starting from informed consent, you have to constitute a neutral auditing body to actually vet each of the procedures. So patient safety, you have to uphold. You first put in the framework, then you allow, and trade and promotion should be minus from all these things. It is only to do with doctor-patient relationship. So you remove trade, you remove finance or financial conflict of interest, professional conflict of interest, and then they put a neutral audit team which will actually, keep conducting these procedures in a proper manner. Unless and until that framework is there, say for example, for clinical trials in India, I think it is a little bit evolved. We do have, somewhat better guidelines for clinical trials. But this is a new zone that we are treading. We only are saying that go slow. Don't keep endorsing trade and industry blindly. Let us not trade off the patient safety for personal and financial interest. That is a... Gunjan ji, iske ilawa, hum ye bhi chahenge ki, jaise aap apni institution se kar rahe hain, to aap apni machine, aap apne assistant, aapke paas kya kya instrument hai, उनसे कन्वर्सेंट हैं, आप उनसे, आपको पता है आपके पास क्या क्या अवेलेबल है क्या नहीं अवेलेबल जी। जब आप यहाँ से जाकर कलकत्ता में, मतलब आप दिल्ली से जाएं कलकत्ता में ऑपरेट करें या चेन्नई से जाएं और कलकत्ता में ऑपरेट करें, सुबह लैंड करें 11 बजे आप ऑपरेट करें, लाइव सर्जरी करें और उसके बाद रात की फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाएं, तो इस प्रकार की के ऊपर तो डेफिनेटली किसी प्रकार का रेगुलेशन जो है वो जरूरी है। अपनी जगह से आप कर रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो वो तो आजकल सभी ने अपने ओटीज तक में एलईडी स्क्रीन्स लगा रखे हैं जहाँ पे सर्ज जो आप ऑपरेट कर रहे हैं वो दिखता रहता है जी, बिल्कुल। उससे उसको किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं करा है, सिर्फ ये जो लाइव ट्रांसमिशंस किए जा रहे हैं और डॉक्टर्स अपने प्रमोशन के लिए या कंपनीज अपने प्रमोशन के लिए हमारे ये वाले सर्जन हैं, ये वाली मशीन है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। जी बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आप सम अप करना चाहूंगी पूरे शो को। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैं मानती हूँ कि पेशेंट का कंसेंट लिया जाता है, पर अगर पेशेंट नहीं चाहता या बाद में उसको कुछ हो जाता है तो क्या ह्यूमन राइट्स का मामला बन सकता है और आगे कोर्ट क्या फैसला ले सकता है? जैसे आपने सही बोला कि जब पेशेंट अपनी कंसेंट देता है तब उसको ये नहीं पता होता कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, बिकॉज उसको नहीं पता कि लाइव सर्जरी ब्रॉडकास्ट होगी उसकी सर्जरी। बट कानून में ऑलरेडी सम प्रोविजंस हैं, देयर इज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंदर अगर कोई भी डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस करता है और सर्विसेज प्रॉपरली नहीं देता है, अ पेशेंट हैज अ राइट टू फाइल अ सिविल केस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अंडर द आईपीसी क्रिमिनल एक्शन भी बनता है डॉक्टर के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द मेडिकल नेग्लिजेंस कमिटेड। अगर किसी भी वे में डेथ हो जाती है तो इनफैक्ट 304A का प्रोविजन है आईपीसी के अंडर, जिसमें इवन अ डॉक्टर कैन बी अरेस्टेड एंड बी हेल्ड कन्विक्टेड फॉर दिस ऑफेंस ऑफ मेकिंग समबडी किल। अदरवाइज ह्यूमन राइट्स के अंदर भी वायोलेशन डेफिनेटली है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी वो एक कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो एक पेशेंट के पास सिविल, क्रिमिनल और ह्यूमन राइट्स तीनों के प्रोविजन है, सावधान है, जिसके अंडर वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं जी। और फाइनल में रुख क्या होगा कोर्ट का, आप क्या कहती हैं? मेरे को जाहिर सी बात है, अभी आई एम नॉट इन द पोजीशन टू कमेंट कि कोर्ट किस वे में जाएंगे, बट इट कैन बी डेफिनेटली सीन कि एनएमसी विल डेफिनेटली कम अप विद गाइडलाइंस, जो हम सब आई थिंक जाहिर से एग्री भी करते हैं कि एनएमसी को इसमें गाइडलाइंस बनाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि डॉक्टर्स अगर एक लाइव सर्जरी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं और फॉर कमर्शलाइजेशन पर्पसेस अगर अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं तो रेगुलेशंस हैव टू बी देयर।
एंड आई थिंक एनएमसी विल डेफिनेटली सेटअप अ कमिटी एंड फॉर्म गाइडलाइंस सो दैट सुप्रीम कोर्ट जब इसको डायरेक्शन में आंसर करे, जवाब मांगे, तो एनएमसी के पास प्रॉपर आंसर होगा। जी, तो मामला कोर्ट में है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय निकालने के लिए कीमती। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। मामला ये है कि लाइव सर्जरी करते हुए डॉक्टर्स ऑडियंस को ब्रीफ करते हैं, ऐसे में जो मरीज है उसकी जान को खतरा रहता है, जिसमें कुछ डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा होते रहना चाहिए, पर कुछ डॉक्टरों का कहना है कि इसे तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।